मोदी सरकार के सर पर जंगी जुनून सवार है। चीन के साथ तनाजे के दौरान राफेल जंगी तैयारों के मुल्क पहुंचने से काबिल ही भारत ने फ्रांस से हंगामी बुनियादों पर हैमर मिसाइल खरीदने का फैसला कर लिया है। हैमर मिसाइलों का मकसद राफेल जंगी तैयारों की सलाहियतों में मजीद इजाफा करना है। रिपोर्ट के मुताबिक हैमर स्टैंड ऑफ मिसाइल 70 किलोमीटर के फासले से अपने हदफ को निशाना बना सकता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुसल्लह अफवाज को तफवीज करदा हंगामी इख्तियारात के बाद हैमर स्टैंड ऑफ मिसाइल के हुसूल के लिए कार्रवाई की जा रही है। सरकारी खबर एजेंसी ने हुकूमती ज़राए के हवाले से दावा किया है कि हैमर मिसाइल के हुसूल के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है, जबकि फ्रांस ने राफेल जंगी तैयारों के लिए हंगामी बुनियादों पर मिसाइल फराहम करने की हामी भी भरी है। उनके मुताबिक फ्रांस की जानिब से भारत को हंगामी बुनियाद पर मिसाइल फराहम करने का मतलब है कि मिसाइल पहले से ही किसी दूसरे मुल्क के लिए तैयार किए गए थे। हैमर मिसाइल दरमियाने फासले पर हवा से जमीनी हदफ के लिए है, जो इब्तदाई तौर पर फ्रांसीसी फजाइया और बहरिया के लिए डिजाइन और तैयार किया गया था। इसराइल ने बताया है कि हैमर मिसाइल से भारत को ये सलाहियत हासिल होगी कि वो मशरकी लद्दाख जैसे पहाड़ी मकामात समेत किसी भी खित्ते में किसी भी किस्म के बंकर या सख्त पनागाहें तबाह कर सकता है। भारतीय फजाइया के तर्जुमान ने नए मिसाइल के हुसूल से मुतल्लिक पेशरफ्त की तस्दीक या तरदीद करने से इनकार कर दिया है।